कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं, इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार। और केवल नाम बदलने वाली नहीं है, ये वो सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन का उद्घाटन। लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहां पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है सोचो, ये बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ चिरंजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं उन्हें आज पता लग गया होगा अलाउदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है। इस बार अलाउदल की धरती से कन्नौज के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, ये आज का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। वो कह रहे थे कि तालाब नहीं खुदे हैं, सुना है महोबा आए थे कह के गए कि तालाब नहीं खुदा है। समाजवादियों ने तालाब भी खोदे थे और जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां बुलडोजर भी चलाए थे। और अगर तालाब खुदे उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई चरखारी वाला हो तो उन्हें ले जाना, कहना ये डुबकी मार के दिखा दो, तालाब आज भी भरे पड़े हैं। तालाब खोदे, डैम बनाए, हम बुंदेलखंड की अपनी जनता को भरोसा दिला के जा रहे हैं और खासकर महोबा की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। आपकी प्यास को भी बुझाने का काम करेंगे, घर भी पानी पहुंचाएंगे और खेतों को भी इतना पानी पहुंचाने का काम करेंगे कम से कम हमारे किसान 2 फसल ले लें। और जो आज सरसों का तेल ऊंचाई, उसकी महंगाई कहां पहुंच गई है? आज बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? ये भी 200 पार कर दिया इन्होंने। जो हमारे गरीबों का तेल है वो भी महंगा कर दिया, मंडियां नहीं चल रही, सब बंद कर दी मंडियां। समाजवादियों ने मंडी दी थी और मंडियां इसलिए दी थी कि अगर हमारे किसान को कहीं कीमत देनी पड़े तो वो मंडियों में जाकर के अपनी कीमत ले ले। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों, अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़े, पहले तो मंडियां बनाई थी, मंडियों के साथ साथ
अगर हमें सरसों तेल को बनाने वाला कारखाना भी लगाना पड़े और आपकी फसल के लिए अलग से भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सरकार के खजाने से पैसा दे करके आपके किसानों को मजबूत बना करके यही स्वाहा। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुरांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वाहा। ओम नमो नारायणाय 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 स्वाहा। ॐ 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 इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तेर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा।